नमस्ते प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है आयत का परिमाप। हम पहले वर्ग का पूरा चैप्टर कर चुके हैं, जिसमें हमने वर्ग का परिमाप और वर्ग का क्षेत्रफल निकालना सीख लिया है। आज हम आयत का परिमाप ज्ञात करना सीखेंगे और उसके बाद हम आयत का अक्षेत्रफल। आइए, आयत का परिमाप निकालने से पहले हम सबसे पहले ये समझ लें कि आयत का अर्थ क्या होता है, यानी आयत की परिभाषा। आयत चार भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण 90 डिग्री के होंगे, उसे आयत कहते हैं। ये आयत की परिभाषा है। अगर हम आकृति को देखें, जिसे ए बी सी और डी नाम दिया गया है, इस आकृति में भुजा ए बी के सामने भुजा डी सी है। भुजा ए बी का जो मान है वह 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यह है कि इसके सामने की जो भुजा डी सी है, इसकी माप भी 5 सेंटीमीटर के बराबर होगी। भुजा बी सी के जो सामने भुजा है वह ए डी है। अगर भुजा बी सी का मान 3 सेंटीमीटर है, तो इसका अर्थ ये होगा कि इसके सामने की भुजा जो है, सम्मुख भुजा ए डी का जो माप होगा वह भी 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा। यानी हम यह कह सकते हैं कि जो ए बी सी और डी जो आकृति है, यह एक आयत है, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और सभी कोण 90 डिग्री के हैं। ये कोण भी 90 डिग्री का है, ये कोण भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो हम यह कह सकते हैं कि यह एक आयत है। आयत की परिभाषा दोबारा समझिए। चार भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और सभी कोण 90 डिग्री के हो, उसे आयत कहते हैं। परिमाप में आपको पहले भी बता चुका हूं कि किसी भी आकृति का जो बाहरी घेरा होता है, उसे उस आकृति का परिमाप कहते हैं। अब हम अगर आयत का परिमाप ज्ञात करना चाहते हैं, तो हम इस आकृति के बाहरी घेरे का माप ज्ञात कर लेंगे, तो वह इस आकृति यानी इस आयत का परिमाप आ जाएगा। इसका बाहरी घेरा क्या आएगा हमारे पास? ए बी भुजा, उसमें जोड़ देंगे हम बी सी, और उसमें जोड़ देंगे डी सी, और उसमें जोड़ेंगे ए डी। तो इनका जो माप आएगा वही इस आयत का परिमाप कहलाएगा। अगर हम साधारण शब्दों में या साधारण अर्थों में समझें, तो ए बी का मान 5 सेंटीमीटर है, बी सी का मान 3 सेंटीमीटर है। 5 में 3 को प्लस करेंगे तो 8 आएगा, फिर इसमें डी सी जोड़ेंगे 5, 8 और 5 13, 13 में फिर अगर हम 3 को जोड़ देंगे तो हमारे पास जो मान आता है वह 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी इस आयत का जो परिमाप आएगा हमारे पास वह 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। आइए अब हम इसको फॉर्मूले से समझते हैं। आयत के परिमाप का फॉर्मूला जो होगा हमारे पास, 2 ब्रैकेट, ब्रैकेट का अर्थ यहाँ गुणा है, लंबाई जमा में चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर हम जो भी मान आएगा उसे 2 से गुणा कर देंगे। आइए इस आकृति का परिमाप हम सूत्र से ज्ञात करने का प्रयास करें। सबसे पहले हम लिखेंगे आयत की लंबाई। आयत की लंबाई, बड़ी भुजा को हमेशा लंबाई लिखा जाएगा, जिस भुजा का मान अधिक होगा वह लंबाई कहलाती है। तो आयत की लंबाई, बड़ी भुजा यानी जो अधिक मान है वह 5 सेंटीमीटर है, तो आयत की जो लंबाई होगी वह 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। फिर हम लिखेंगे आयत की चौड़ाई, छोटी भुजा को हम चौड़ाई बोलते हैं या चौड़ाई कहा जाएगा। तो हमारे पास जो छोटी भुजा है वह 3 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई आ गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप हम ज्ञात करना चाहते हैं। आयत के परिमाप का फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट, लंबाई जमा में चौड़ाई। अब हम यहाँ मान रखेंगे 2 ब्रैकेट, लंबाई का मान है 5 प्लस चौड़ाई का मान है 3। 5 और 3 को अगर हम जोड़ दें, प्लस कर दें, तो हमारे पास आ जाता है 8, और 8 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास मान आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। यानी कि इस आयत का जो परिमाप हमारे पास आएगा वह 16 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। आइए अब आपके अभ्यास के लिए आपको देते हैं 2 सवाल जो आपने खुद सॉल्व करने हैं। पहला सवाल है आपके पास, आयत की लंबाई,
आयत की लंबाई, आयत की लंबाई आप 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, इसका आपने परिमाप ज्ञात करना है। दूसरा है आपके पास आयत की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ये दोनों सवाल आप खुद सॉल्व करेंगे। मिलते हैं आपके साथ फिर से एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स।